हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बना के बताऊंगी बेसन के लड्डू। इसे बनाने का तरीका इतना आसान है कि देख के आप भी हैरान रह जाओगे और ये एक बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप बेसन और इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच सूजी। सूजी डालने से लड्डू दानेदार बनेंगे, तो सूजी डालकर इसे हम मिला देंगे। और पानी से इसका हम आटा गूंथेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिएगा क्योंकि बेसन बहुत जल्दी गीला होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो देखिए, लड्डुओं के लिए हमने नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। फिर आटे में से हम एक ही साइज की सभी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। फिर हम एक तवा लेंगे और इसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब लोइयों को तवे के ऊपर रखकर हाथ से इस तरह से चपटा करेंगे। तो एक ही करके हम सभी लोइयों को इसी तरह से चपटा कर लेंगे। फिर उंगली से पूरी में इस तरह से हम होल करेंगे। तो एक ही करके हम सभी पूरियों पर इसी तरह से होल कर लेंगे। तो एक ही करके हम सभी होल्स में देसी घी को डाल देंगे। तो इसी तरह से आपको सभी होल्स में देसी घी को डाल देना है। फिर इन्हें मध्यम आंच पर हमें अच्छी तरह से सिकने देना है। फिर इन्हें हम पलट देंगे। तो एक ही करके आहिस्ता से हम सभी पूरियों को पलट देंगे। इन्हें हमें दोनों ही ओर से अच्छी तरह से पलटते हुए सेकना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो देखिए, ये अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। इन्हें हमें निकाल लेना है। इन पूरियों को हमें अच्छी तरह से ठंडी होने देना है। पूड़ियाँ जब ठंडी हो जाएंगी तो एक मिक्सर जार लेंगे और सभी पूड़ियों को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़कर जार में डाल देंगे। सभी पूड़ियों को डालने के बाद इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें पीस लेना है। तो देखिए, इसे मैंने पीस लिया है। तो इस तरह से इसे हम दरदरा पीस लेंगे। फिर एक बाउल लेंगे और इस बाउल में इस बूरे को हम डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे पीसी हुई चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लड्डुओं में आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है काजू, बादाम, पिस्ता, ऊपर से नारियल का बुरा और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी और फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के करीब दूध। तो दूध हम रूम टेम्परेचर का लेंगे और इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम लड्डू बनाएंगे। तो थोड़ा सा मसाला लेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए लड्डू का शेप देंगे। तो देखिए, लड्डू बन चुका है। इसे हम प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम बाकी सभी लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, बेसन के लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। कितना आसान तरीका है इन्हें बनाने का। आप भी इस बार गणेश चतुर्थी पर घर पर ही बेसन के लड्डू बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा।